गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज के क्लास में हम डिप्रिसिएशन के रिगार्डिंग में फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सारे चीज़ों को केयरफुल रख हम लोग देखते हैं। देखिए पिछले क्लास में हम डिप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अरे अभी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, कि परचेजेस, ठीक है ना, पीएम यानी प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 20,000, 20,000 रुपए का क्या किया गया, मशीनरी को परचेज किया गया 20,000 रुपीज को, ठीक है ना। अब इस पे है क्या कि ये मशीनरी का जो यूजफुल लाइफ है, ध्यान दीजिएगा, मशीनरी का यूजफुल लाइफ, देखिए यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कि वो मशीनरी कितने दिनों तक चलेगा। किसी भी चीज का एक लाइफ होता है ना, तो कितने दिनों तक चलेगा। तो अगर मान के चलिए कि इसका यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, क्या है, 10 इयर्स है। आर यू क्लियर? और यहां तक क्लियर है ना, ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया और ये यूजफुल लाइफ हो गया। और एक होता है आपका स्क्रैप वैल्यू, एसपी इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, स्क्रैप वैल्यू, कि आफ्टर 10 इयर्स उसका क्या वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। ये तीन चीज यहाँ पे दिया गया है। अब देखिएगा कि 20,000 रुपीस का प्लांट एंड मशीनरी है, तो 20,000 इंटू 10/100 करेंगे तो पर ईयर डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा आपका, 2,000 रुपीस का डिप्रिसिएशन हो जाएगा पर ईयर हो जाएगा। कितना यूजफुल लाइफ था जी, 10 इयर्स तक चलेगा। तो अगर हर साल, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, यानी हर साल हम उसका यूज करेंगे, उसके अगेंस्ट में 2,000 रुपये हम डिप्रिसिएशन के रूप में घटाएंगे। ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, 2,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 10 साल तक जब डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तो 20,000 रुपीस टोटल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसका मतलब है कि 20,000 रुपए का हमने परचेज किया था और आफ्टर 10 इयर्स जब होगा तो 20,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, तो उस एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो आफ्टर 10 ईयर जब उसका वैल्यू नील हो जाएगा, तभी जो पुराना हो जाएगा तो उसका कुछ तो वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए निकालना होता है डिप्रिसिएशन का जो होता है, ठीक है ना, डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, डिप्रिसिएशन, ठीक है ना, अमाउंट अगर फाइंड करना होता है तो एक फार्मूला है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, डिप्रिसिएशन का अमाउंट का पता चल जाएगा कि कितना डिप्रिसिएशन का अमाउंट है, क्लियर है। सेकेंड है आपका डिप्रिसिएशन रेट परसेंटेज, ठीक है ना, डिप्रिसिएशन, ठीक है ना, परसेंटेज, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एनुअल, इसका फॉर्मूला देखिएगा, जो एनुअल डिप्रिसिएशन हमारा निकल के आएगा यहां पर, ठीक है ना, अमाउंट, एनुअल डिप्रिसिएशन, ठीक है ना, अमाउंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये करेंगे तो हमारा, ठीक है ना, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का परसेंटेज रेट पता चल जाएगा कि कितना, 10%, 5% क्या लग रहा है। तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है तो क्या, कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब जिस लागत में हमने एसेट्स को परचेस किया था, स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि हम 10 साल यूज करने के बाद जब एसेट्स का पूरा यूज कर लेंगे तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा ना। जैसे हम लोग बेचते हैं
जिसको कबाड़ी वाला भंगाड़ा वाला बोलते हैं उसको बेचेंगे तो कुछ तो वैल्यू मिलेगा, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, वो घटा लेंगे। और यूजफुल लाइफ कितना दिन तक वो एसेट्स चला वो डिवाइड करेंगे तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट का पता चल जाएगा। और नेक्स्ट में क्या बोले डिप्रिसिएशन रेट यानी कितना परसेंट निकलेगा 10%, 5%, 20%, तो उसके लिए एनुअल डिप्रिसिएशन जो मेरा ये वैल्यू निकल के आएगा वो इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो ये मेरा एनुअल डिप्रिसिएशन का रेट निकल के आएगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ये सारे चीजें वो केयरफुल होके आप देखिए, ठीक है ना, क्लियर है। और एक चीज बता देते हैं कि हम जब एसेट्स परचेस करते हैं कोई भी फिक्स एसेट्स, तो फर्स्ट एंट्री क्या होता है, ठीक है ना, एसेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और पैसा पेमेंट करेंगे तो क्या होता है बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, पहला जर्नल एंट्री। सेकेंड जब डिप्रिसिएशन चार्ज होगा उस पर, तो डिप्रिसिएशन मेरा क्या होता है नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो डिप्रिसिएशन डेबिट बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे लॉस है, और एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे भाई, कि जब डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तो मेरे एसेट्स का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज करेगा, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट कर दिया, और डिप्रिसिएशन मेरा क्या है लॉस है, तो लॉस जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है डेबिट होता है, ठीक है। पिछले वीडियो में सारा चीज हमने बताया है, ये क्लियर है। अब डिप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट करके ट्रांसफर हो जाएगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लेजर बनाते हैं ये क्रेडिट में है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन अकाउंट करके यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो सारे चीजों को केयरफुल होके देखिए, ठीक है ना। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी तरह की कोई परेशानी आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। और आगे आने वाले क्लासों में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजों को भी आप केयरफुल होके देखिएगा। ओके, थैंक यू।